सिद्धि विनायक मद्रास हाईकोर्ट की जजमेंट आई है दोस्तों। यहाँ पे हुआ क्या, एसएससी ने 2018 के अंदर एक परचेज की किसी वेंडर से, परचेज की अगले महीने क्रेडिट नोट इशू हुआ, तो हमारे एसएससी ने क्या किया, जब पहले तो इनपुट आया होगा, फिर टू ए से इनपुट गया होगा क्योंकि क्रेडिट नोट इशू हो गया, तो उसने इनपुट लिया ही नहीं। ऑफिसर ने ये तो देख लिया कि परचेज का बिल कटा है कि नहीं कटा, उसने वो नहीं देखा, उसने सिर्फ ये देखा क्रेडिट नोट कटा है, इसने रिवर्सल नहीं डाला या इनपुट कम नहीं किया उस महीने का। भाई जब अगर आपने सितंबर 2018 के अंदर इनपुट लेना था और अक्टूबर 2018 के अंदर वो रिवर्सल हो गया, तो अगर मैंने सितंबर 18 में इनपुट ही नहीं लिया तो अक्टूबर 18 में रिवर्सल भी नहीं करूंगा। डिमांड बना दी, डिमांड बनाना सबसे आसान काम है मद्रास के अंदर दोस्तों। आप किसी भी चीज पे डिमांड बना सकते हैं और ऑफिसर्स पे कोई एक्शन नहीं होता। मुझे हैरानी है कि हमारे देश में ये हो क्या रहा है। डिमांड बन गई, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कुछ नहीं, एसएससी के पास ऑर्डर नहीं पहुंचा, सीधा डिमांड बन के आ गई। एसएससी ने पहुंचा, कहां पहुंचेगा यार, तेरा कोई ना सहारा बिन मेरे, मेरा हाईकोर्ट ही सहारा है। मैं हाईकोर्ट पहुंच गया और हाईकोर्ट में जाके मैंने अपना केस फाइट किया और डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्ट किया गया रिकंसिडरेशन के लिए। एटीआर के नाम से कलकत्ता हाईकोर्ट की जजमेंट आई है दोस्तों। यहाँ पे हुआ क्या, ये भी एक कमाली जजमेंट है। एसएससी के ऊपर सर्च हुई जीएसटी डिपार्टमेंट की, सर्च के दरमियान 30 लाख रुपए जीएसटी जमा करा लिया गया जबरन, जबरदस्ती एसएससी ने जमा कर दिया, क्योंकि आपको पता ही है जब जीएसटी ऑफिसर सर्च करने आते हैं तो वो कैसा माहौल क्रिएट कर देते हैं। एसएससी बेचारा डर के मारे 30 लाख रुपए जमा करा दिया। अब डिपार्टमेंट की लापरवाही कहो या बदतमीजी कहो, ऑर्डर इशू नहीं करते, जमा करवा लिया, काम खत्म हो गया, डिपार्टमेंट ने कोई ऑर्डर इशू ही नहीं किया। एसएससी ने रिफंड के लिए अप्लाई कर दिया, कमिश्नर अपील पे लगाया, कमिश्नर अपील ने डिपार्टमेंट की फेवर में जजमेंट दी, फिर कहां पहुंचा वो, हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने ये बात मानी कि भैया आपसे जबरदस्ती टैक्स जमा कराया गया है 30 लाख रुपए, अगर नहीं कराया होता तो ऑर्डर पास किया होता, ऑर्डर है ही नहीं, एसएससी को रिफंड मिल गया। बताओ सर्च के अंदर भी रिफंड ले आया हमारा एसएससी, ये होता है काम। राजस्थान हाईकोर्ट की एक थोड़ी डराने वाली जजमेंट आई है दोस्तों। यहाँ पे हुआ क्या, एसएससी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका था, सेक्शन 65 के तहत उसका जीएसटी का ऑडिट लगा दिया गया। अब आपको पता है जीएसटी का ऑडिट सिर्फ एक रजिस्टर्ड पर्सन का हो सकता है, बट वो एक रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका था। अब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था, उसके बावजूद उसका ऑडिट लगाया गया। एसएससी पहुंचा हाईकोर्ट की, सर एक बात बताओ, मेरा तो जीएसटी नंबर ही कैंसिल हो चुका है, तो वाई मेरा जीएसटी ऑडिट। बट हाईकोर्ट ने एसएससी की फेवर में जजमेंट नहीं दी, उन्होंने बोला सेक्शन 29(3) के अकॉर्डिंग अगर आपका जीएसटी कैंसिल भी हो गया तो भी आपकी डिमांड बन सकती है। बट मैं इससे थोड़ा सा वाकया नहीं रखता हूँ, मेरे हिसाब से ये जजमेंट थोड़ी सी गलत है। उसका रीज़न ये है, जब एक्ट को चेंज करो, अपने सेक्शन 65 को चेंज करो, एवरी पर्सन लिखो वहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन की जगह, नहीं तो ये जजमेंट, अब मुझे ऐसा लगता है कि एसएससी पक्का सुप्रीम कोर्ट जाएगा और शायद अपने फेवर में जजमेंट भी ले आए। थैंक यू दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे कंटेंट को लाइक करने के लिए। आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम ना केवल क्रिप्टो टैक्सेशन बल्कि इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एंड इनकम टैक्स जीएसटी रिलेटेड भी बहुत सारा कंटेंट अपने चैनल पर आप लोगों के लिए लाते हैं। चलिए।